हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। और द सीक्रेट बुक रहस्य बुक के 11वें पार्ट में, अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं सुने तो वो भी सुन लें, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ पार्ट के लिंक ऊपर आई बटन पर और कुछ पार्ट के लिंक जब भी वीडियो समाप्त होगा तो एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेहत का रहस्य। डॉक्टर जॉन हैजलिन, यह एक क्वांटम फिजिस्ट और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है दोस्तों, हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारे शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। डॉक्टर जॉन डे मार्टिनी, इनका कहना है दोस्तों, उपचार के क्षेत्र में हम प्लासीबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासीबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लासीबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है, और प्लासीबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज़्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासीबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वे यकीन करते हैं, और उनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर जॉन डे मार्टिनी, अगर कोई छुटपुट बीमार है तो वह असली दवा ले सकता है, या फिर वैकल्पिक रूप से यह पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज उसे उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साबित हो सकती है, तो जाहिर है सही दवा लेने में ज़्यादा समझदारी है। बहरहाल, दवाओं को लेने के बाद भी यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन की अपनी जगह होती है। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। लिसा निकोलस, ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं, तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी, और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। डॉक्टर बेन जॉनसन, यह एक डॉक्टर, लेखक और एनर्जी हीलिंग के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है दोस्तों, हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमजोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती हैं, तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं, तो वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया।
इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है या हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज नहीं है। डॉक्टर डेमार्टिनी हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी ही बड़ी हो, और प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ, अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ सुधारा जा सकता है। हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। कैथी गुडमैन, यह एक व्यक्तिगत कहानी है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार मैं कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल में यकीन कर लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा, जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोलकर हंसती थी। तनाव लाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज हो सकती है। बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के हो गया। कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेरक कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने का उदाहरण है। उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी व खुशी की शक्ति। कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कजिन्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखीं और वह हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। जब नॉर्मन दिल खोलकर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई और साथ में उसकी बीमारी भी बाहर निकल गई। हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। डॉक्टर बेन जॉनसन,
हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है, इसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है। बॉब प्रॉक्टर। बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। हमारा शरीर हर सेकेंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही यह लाखों नई कोशिकाएं बना भी रहा है। डॉक्टर जॉन हेजलिन। सच तो यह है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं, कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में। लेकिन कुछ सालों के भीतर हम में से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूर्णता के विचार सोचें। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान लें कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आवाहन करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीज़ें देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। सच तो यह है कि मैंने यह काम रातों रात कर लिया। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसीलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और यह जान लें कि चाहे आपने अपने दिमाग में कितनी ही जन्मदिन मना लिए हों, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल ना लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आवाहन करके उसे अपनी तरफ ना बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें। बीमारी का इलाज
डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हों तो उसके बारे में बात ना करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय ना रहना चाहते हों। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस ना कर रहे हों और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप यह ना सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई काम कर सकते हैं, यह सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। याद रखें, जब आप किसी चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वहीं ख़त्म कर दें। लिसा निकोलस। मान लें आपके पास दो लोग हैं जो एक ही चीज़ के शिकार हैं। उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। वह संभावना और आशा में जीता है। वह उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है? बॉब डायल। यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। जहाँ तक संभव हो, हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। ऐसा कहा है दोस्तों प्रेंटिस मल फोर्ड ने। डॉक्टर जॉन हेजलिन। इनका कहना है दोस्तों, जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बुरी तरह कमज़ोर कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते तथा व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करना
के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन। शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, यह खुद का उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। माइकल बर्नार्ड बेकविथ, इनका कहना है दोस्तों, मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आँखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था, तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने लोगों की बातें सुनी थी कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसीलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतने ही स्पष्टता से देख रहा हूँ जितना 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेस्तराओं, हवाई जहाज़ों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता तथा बिना कोशिश के पढ़ते देखा, और मैंने खुद से बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैंने अपनी आँखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया, तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आँखों को किस चीज़ से गुजरना पड़ा होगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता नहीं है, इसीलिए वह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं यह काम कर सकता हूँ और तेज़ी से कर सकता हूँ। कई बार अज्ञान से लाभ होता है। डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर से एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था, इसीलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आँखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी बात लगी थी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आँखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसीलिए 3 दिनों में इस चीज़ का होना मुझे चमत्कारिक नहीं लगा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता है। मुहासों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, तो उसे मुहासों जितना बड़ा माने, फिर सारे नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दें और आदर्श
सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। कोई चीज लाइलाज नहीं होती है, कोई चीज लाइलाज नहीं होती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, इनका कहना है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी ना कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसीलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही हैं, जहां सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद हैं। स्वर्ग जैसा लगता है ना? यह सचमुच ऐसा ही है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। मॉरिस गुडमैन। यह एक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। इनका कहना है दोस्तों, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्ट्रीब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेसिपरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊँगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझे और मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, और आखिरकार मेरा रेसिपरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। वो शब्द हैं, इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। मुझे एक बार फिर से दोहराने दीजिए, इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को
द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज के बारे में सोचेंगे उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल लिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि यह द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूँगी। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हो या कोई और चीज हो। यह बहुत विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य संक्षेप। पहला, प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। दूसरा, संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। तीसरा, हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। चौथा, बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना ना चाहते हों। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। पांचवा, बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसीलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। छठा, बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्यापक भ्रामक बातों पर कान ना दें। नकारात्मक संदेशों से अपना भला आपका भला नहीं होगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में और किसी अन्य वीडियो में। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, प्रियजनों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नॉलेजबल वीडियो के लिए। धन्यवाद।